हेलो शिव, देखिए आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 14A का कवर देखते हैं, है ना। देखिए पहले यहाँ पे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर रहेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पेंटागन। देखिए यहाँ पे जो आपका पॉलीगॉन दिया है वो रेगुलर है, क्या है, रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन में क्या कितने साइड्स होंगी, पेंटागन पेंटागन मतलब होता है फाइव साइड्स, पेंटागन मतलब फाइव साइड। तो कह रहे हैं इसके यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आपके रेगुलर पॉलीगॉन। तो ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, अगर आपको कल बताया था वहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेंटागन है ना, पेंटागन है। तो पेंटागन में यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितने होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या आएगा, 360 अपॉन 5। 360 में 5 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे 5 से बन जाए 5 पे, तो ये यानी कि 72 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपका हेप्टागन जी जितने भी अगर कोई भी गॉन हो तो वहाँ पे आप 360 में उसके जो है नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिए, वो उसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हूज एक्सटीरियर एंगल इज 50। क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसकी हाइट एंगल क्या हो, एक्सटीरियर एंगल वो 50 हो। अगर एक्सटीरियर एंगल 50 हुआ तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, 130 होगा, 130 होगा। और 130 से यहाँ पे कोई भी एंगल आपका जो कोई भी पॉलीगॉन वो रेगुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इससे नो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड मेजर आप ईच इंटीरियर एंगल आप रेगुलर पॉलीगॉन। आप इंटीरियर एंगल फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है वहाँ पे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल फाइंड करने का हमने क्या बताया था, इंटीरियर एंगल अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा तो इंटीरियर एंगल को यहाँ पे हमने बताया था क्या, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए हमें यहाँ पे 180 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इस फोटो हमें यहाँ बताया था क्या होता है, यहाँ पे 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या गया, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दी गई है 10 साइड्स, यन इक्वल टू 10। जब यन इक्वल टू 10 है तो पहले यहाँ पे आप इसका एक्सटीरियर निकालिए, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 36 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 36 हो गया। अब वहाँ पे इंटीरियर एंगल निकाल दीजिए, इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या जाएगा 180 माइनस 36, 180 माइनस 36। अब यहाँ पे 180 के साथ 36 यहाँ पे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 कितना 44, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, समय आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में यहाँ पे पेंटागॉन हेक्सागॉन ये सब दिए गए हैं, कह रहा है इंटीरियर एंगल का सम, सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल क्या होता है, कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कि जो सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल होता है यहाँ पे 2n-4 इंटू राइट एंगल राइट एंगल, यहाँ पे आप 90 लिख सकते हो, 2n-4 इंटू 90। अब इसको टू यहाँ पे देखिए 2 इंटू n, अब यहाँ पे दिया गया पहला वाला जो फर्स्ट है वो दिया गया है पेंटागन, या थर्ड वाला हम बता रहे हैं, ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या दिया है नैनो वन मतलब हो जाएगा 9 साइड्स, यानी इसको कितना है 9 माइनस 4 इंटू 90। इक्वल टू अभी इसको सॉल्व कर लें, यही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 9 2 18 माइनस 4 इंटू 90, में से 4 जाएगा माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 14, और 14 में हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 14 9 जाती हो जाएगा 126, तो हो जाएगा यहाँ पे जो 1260 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1200, ये हो गया थर्ड, हो गया फैक्ट्री का थर्ड। ऐसे सभी यहाँ पे ले लेंगे, एनोगॉन है 9 है, तो उसका अगर हेक्सागॉन है वहाँ पे 6 साइड्स है,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सिक्स देखिए, सिक्स में आप क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेप्टागन या ऑक्टागन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड देखिए, ऑक्टागन ऑक्टागन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे वहाँ पे कितने, 8 हो जाएंगे। अगला पूछे नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने यहाँ मामला बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन छोड़ के एन माइनस 3 एंड एन माइनस 3 बाई 2 ये होता है। अब यानी ऑक्टागन में नंबर करके 8 ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना 8 और फिर 8 माइनस 3 बाई 2 तो 8 इंटू 3 जाएगा यहाँ पे क्या 5 अपॉन 2 टू से इसको डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे 4 4 5 6 20 नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना जाएगा वहाँ पे 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये समय आ गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब इसी तरह यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहला कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन व्हिच ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 640 है, तो यहाँ पे आप जो है फार्मूला जानते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल छोड़ क्या होता है 360 बाई एन ये होता है। अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दिया गया, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है, वो दिया गया यहाँ पे 40 इक्वल टू 360 अपॉन एन, यहाँ पे साइड फाइंड करनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या हो गया, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई और 40 इधर आ जाएगा, देन यन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 360 अपॉन 40 49, यानी कि यन इक्वल टू कितना आ गया 9, वो क्या है 9 गॉन है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आपका ये फिगर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आप ये 8 देखिए, ये फिगर है, इस फिगर में आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सबके दिए गए हैं 90 50 115 यहाँ पे यस, तो यस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता हो किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी एक्सटीरियर एंगल सबको ऐड कर लीजिए, तो यह यहाँ पे 90 एंगल डी जी सी, यहाँ पे नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम 90+1 और 90+50+115 और प्लस यस इसको कितना आएगा 360, यह एंगल हो जाएगा आपका क्या डी सी जी या जी सी डी, यह एंगल हो जाएगा आपका एच डी ए या एच डी ए, यह एंगल हो जाएगा आपका कितना ई ए बी, और यह एंगल आपका जो हो जाएगा एफ बी सी, चारों एंगल सब कितना 360। तो यह आएगा कितना, ये यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे देन एक्स प्लस तो 255 आएगा, 255 डिग्री इज इक्वल टू 360, देन एक्स इक्वल टू 360 माइनस 255, देयर फॉर एक्स इक्वल टू कितना आएगा 360 में से 225 माइनस करेंगे, 255 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ऐसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, वहाँ पे कहता फाइंड द एंगल मेजर यस, आपका रेगुलर पॉलीगॉन है हेक्सागन है नहीं पेंटागॉन है, पेंटागॉन में यहाँ पे आपको जो है यक्स की वैल्यू फाइंड करना, मतलब इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल का मैंने क्या, मतलब ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला बताया था, क्या होगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इसका फाइंड करके आप 180 में से माइनस कर दीजिएगा, वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज 14 में पूरा सॉल्व कर लीजिएगा।